आप हरियाणा में आए, बैसाखी मतलब एक तरीके से धूमधाम से मनाया गया, क्या उद्देश्य था, किस तरह से आपने मनाया? देश में पूरे बैसाखी मनाई जा रही है, ये उद्देश्य था और मौका मिल रहा मुझे तो हर राज्य के जो किसान हैं, बुजुर्ग मेरे और महिलाएं, युवा सबके साथ में बैसाखी मनाने का। हमें तो सच बताऊं, सिर्फ हमने तो फोटो फाटो में देखी, ये ना पता ही कि कैसे मनाई जावे, तो आज यहाँ पे देखा, बढ़िया लगा बहुत। अच्छा, जिस तरीके से बंगाल के इलेक्शन को लेके ममता बनर्जी के उस पे बैन लगा दिया गया है प्रचार पे, किस तरह से देखते हैं? इनके पे भी लगा दिया, मैं ममता जी की टीम से तो हूँ ना, क्या पता कुछ प्रोटोकॉल हो, लेकिन अगर इनके पे भी लगा दिया, उनके पे भी लगा दिया तो ठीक है, लेकिन अकेले उनके पे लगा दिया तो तानाशाही है। चार महीने से ज्यादा हो गए हैं और सरकार मानने को तैयार नहीं, तो आगे की क्या रणनीति है, किस तरह से आंदोलन चल रहा, चलता रहेगा, ठीक है। अब ना मानेगी सरकार 22 में मानेगी, 22 में ना मानेगी 23 में मानेगी, 23 में 24 में मानेगी, 24 में अगर नहीं मानी तो ये मानने लायक ही नहीं होंगे, हम ही हम रहेंगे फिर 24 में थोड़ी आएंगे, तब देश की जनता की नहीं सुनेंगे। तो जिस तरह से लगातार आवाज उठाई जा रही है कि गाजीपुर में लोग कम हो गए हैं, बहुत भीड़ कम हो गई है, तो आप किस तरह से? अरे एक बात बताओ, खेत ना काटे, नौकर लग रहे हैं हमारे, मशीन है हमारे बड़ी बड़ी, फिर खेत भी तो काटेंगे, अरे ऐसी आना और जाना लग रहा है, आंदोलन भी देखना, खेत भी देखना, घर भी देखना, इनकी तरह थोड़ी घर ना, परिवार ना, जमीन ना, इनके खेत ना, इनके इतने बड़े बड़े वेयर हाउस है, उनमें तो बड़ी बड़ी मशीन हैंगी, हमारे थोड़ी मशीन जा मशीन देख लेंगे। अच्छा, 12-13 दौर की बातचीत चली, अब तो बातचीत का दौर भी खत्म हो गया, तो किस तरह से निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष तो जब निकला जब बात होंगी, ये बात नहीं करना चाहता, फिर निष्कर्ष अपना आप निकल जाएगा, 24 में अभी बताई नहीं, एक मिनट पहले अपना आप निकल। देश में जिस तरह से फिर से एक लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि लॉकडाउन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? ये दिमाग सु गलत फहमी निकालने में कि जैसे इन्होंने और आंदोलन उठा दिए, ये उठ जाएगा, ये देश का आंदोलन है, जन आंदोलन है, और लॉकडाउन कोरोना रात में उठता है, दिन में सोता है ना बात, कर कोरोना के आंकड़े बंगाल के क्यों ना दिखा रहे, क्योंकि बंगाल में इनकी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, इसलिए ना दिखा रहे बंगाल में आंकड़े, क्यों ना दिखा रहे, जहाँ सरकार की रैली हो रही है वहाँ क्यों ना दिखा रहे आंकड़े, वहाँ क्यों ना करो ना, बताओ। कोर्ट ने ये कही थी, एक व्यक्ति भी गाड़ी में जाएगा मास्क लगाएगा, ठीक है हम पालन कर रहे हम तो पालन, लेकिन अमित शाह जी ने मास्क नहीं लगाया रैली में, मोदी जी ने नहीं लगाया, उन पर नहीं हो कानून मुकदमा, बताओ। अच्छा, अभी 10 से 5 तक का जो लॉकडाउन लगा है, अगर किसी वजह से 24 घंटे के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाता तो किस तरह से आंदोलन चलेगा? 24 घंटे से हम तो बॉर्डर पे बैठे रहेंगे, 24 घंटे तक लगेगा लॉकडाउन, क्या होगा, बॉर्डर पे बैठे रहेंगे, हम कहीं जा रहे हैं, हम चले जाएं कहीं, बॉर्डर पे बैठ जाएंगे 24 घंटा, एक घंटा को अपने घर चल जाएंगे घूमने को, फिर आ जाएंगे 24 घंटा वही। तो सरकार तो बोल रही है ना कोरोना फैलेगा, एक दूसरे से जाएंगे, सरकार बोल रही है, सरकार हमें मत बताओ क्या बोल रही है, वहाँ ना फैल रहा कोरोना, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, फिर कह रहा अभी तो बताई मैंने भाई कि वहाँ नहीं फैल रहा कोरोना, और कुछ बात होगा।